प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के मंडला जिले के रामनगर में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस और 3 दिवसीय आदि उत्सव के उद्घाटन समारोह में पहुंचे। इस मौके पर मोदी ने आदिवासियों के बीच गौड़ी भाषा में लोगों का स्वागत करते हुए अपने भाषण की शुरुआत की। लकलक दल सभी आदिवासी भाइयों को नावा नमस्कार। गोंडवाना ता इस धरती पर वातो सभी लोगों को नावा खांदल बल्ले खुशी है। रानी दुर्गावती जदुराय और हृदय शाह जैसे वीरों को नावा खांदल गौण साम्राज्यता हमेशा लाई ऊंचो झंडा मनी इतलनवा खांदल नमन है। नावा सबे सगा समातुन जय सेवा जय बड़ा देव। मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल, राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर, श्रीमान पुरुषोत्तम रूपाला, राज्य सरकार के मंत्री गोपाल जी, ओम प्रकाश जी, संजय जी, संसद में मेरे साथी श्रीमान फगन सिंह कुलस्ते जी, श्रीमती संपत्या उइके जी और अब भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष बने हैं और हमारे जबलपुर के सांसद हैं श्रीमान राकेश सिंह जी, मंडला जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती सरस्वती मरावी जी, और आज बड़े गर्व के साथ एक और परिचय भी करवाना चाहता हूं। हमारे बीच बैठे हैं त्रिपुरा के उप मुख्यमंत्री, पिछले दिनों त्रिपुरा के चुनाव ने एक ऐतिहासिक काम किया। उन्होंने कहा, आज विकास के लिए बजट की चिंता नहीं है, आज आवश्यकता है उस बजट के बेहतर उपयोग की, उसके सही उपयोग की। इससे पहले केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्राम विकास चाहते हैं, इसलिए उनके राज में पंचायतों के विकास के लिए 4 गुना राशि मंजूर की गई है। वर्ष 2022 तक मोदी के नेतृत्व में नए भारत का निर्माण होगा। प्रधानमंत्री ने रामनगर पहुंचकर रानी दुर्गावती और महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर पंचायती दिवस कार्यक्रम की शुरुआत की। गांव के विकास की बात आती है तो ज्यादातर लोग बजट की बातें करते हैं। कोई एक जमाना था जब बजट के कारण शायद मुसीबतें रही हो, लेकिन आज बजट की चिंता कम है। आज चिंता है बजट का, पैसों का सही उपयोग कैसे हो, सही समय पर कैसे हो, सही काम के लिए कैसे हो, सही लोगों के लिए कैसे हो, और जो हो इसमें ईमानदारी भी हो, पारदर्शिता भी हो, और गांव के हर किसी को पता होना चाहिए कि ये काम हुआ इतने पैसों से हुआ और ये गांव को हिसाब में दे रहा हूं। ये आदत समस्या पैसों की कभी नहीं है, लेकिन समस्या कभी प्राथमिकता की होती है। आप मुझे बताइए, गांव में स्कूल है,
स्कूल का अच्छा मकान है, गांव में मास्टर जी को नियुक्त किया गया है, मास्टर जी को तनख्वाह रेगुलर मिल रही है, स्कूल के समय स्कूल खुल रहा है, लेकिन अगर उसके बावजूद भी मेरे गांव के 5-25 बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, खेत में जाकर के छिप जाते हैं, पेड़ पर जाकर के बैठ जाते हैं और मेरे गांव के 5-25 बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं, मुझे बताइए ये 5-25 बच्चे अनपढ़ रह गए क्या बजट समस्या थी? जी नहीं। मास्टर जी समस्या थी? जी नहीं। हम गांव के लोगों ने, हमारे गांव वासियों को ये जो बात समझानी चाहिए कि भाई स्कूल है, मास्टर जी है, सरकार फी देती है, सरकार यूनिफॉर्म देती है, सरकार मध्यान्ह भोजन देती है, आओ हमारे गांव में एक भी बच्चा स्कूल से छूट नहीं जाएगा, हमारे गांव से एक भी बच्चा अनपढ़ नहीं रहेगा, क्या ये हम नहीं निर्णय कर सकते?